मेन टॉपिक आता है, एक टैटू कितने का है। एक रोज है, हार्ड है एंड आईज है। मतलब आई सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला, बिकॉज मैं आप लोग मतलब आपके मन के सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। बिकॉज मतलब 15 अगस्त को मेरा बर्थडे था, आप लोग सबको पता है, तो उसी का मैं जवाब देने वाला हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आप लोग के सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो सवाल आप लोग का क्या था पता है? हाँ, तो आपको जो सवाल था, मतलब 15 अगस्त को मेरा बर्थडे था गाइज, तो 15 अगस्त को मैं अपना बर्थडे स्पेशल भाई जो आंसर से मैं टैटू बनवाया था। तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल है, एंड काफ़ी जन ने मेरे से पूछा भी, भाई तो टैटू कितने का बनवाया, महेश चौहान सर का मतलब टैटू का प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, मतलब काफ़ी सारे सवाल सर मेरे से पूछा गया। मतलब बहुत जन ने पूछा, दोस्तों को भी पूछा, जिसको मतलब जो मेरे साथ नहीं गया, मेरे साथ तो रवि गया था और कोई गया था, बहुत जन ने ऐसे सवाल पूछा कमेंट्स में भी, ऐसे कमेंट्स में कोई नहीं गया, बट फिजिकल में मतलब ऐसे बहुत जन ने सवाल पूछा। तो फाइनली सोचा आप लोग मैं सवाल का जवाब देता हूँ। जो टैटू दिख रहा है, इतना प्यारा सा जो टैटू है ना, मस्त वाला टैटू है। एंड डिजाइन में आपको बताता हूँ मैं कहाँ देखा था। तो ये टैटू में कहाँ देखा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे रील्स देख रहा था, और रील्स देखते देखते मैं मतलब ऐसे स्क्रॉल करते करते देखा भाई टैटू का डिजाइन। फिर मैं मतलब पहले ही डिसाइड किया था कि इस बर्थडे में कुछ स्पेशल अपना मुझे करना है, क्योंकि लास्ट बर्थडे में मैं अपना फ़ोन लिया था, मतलब लास्ट बर्थडे से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, ब्लॉगिंग करियर तो स्टार्ट किया था। ये बर्थडे में सोचा कुछ ना कुछ तो भाई करते हैं, एंड कुछ मतलब खरीदने का तो फिलहाल तो मेरे पास अभी ना जो देखो तो मतलब सब है, अच्छा मोबाइल है, बाइक है, खुद का अपना बाइक है गाइस, एंड बाकी सब तो मेरे पास है। तो सोचा भाई कुछ बनाते हैं, तो एंड जैसे मैं स्क्रॉल करते करते वो रील्स देखा, तो मुझे वो टैटू मतलब टैटू दिखा। एंड फर्स्ट लुक में मतलब जैसे आप लोगों को पता है कभी कभी लड़की के साथ होता है लव एट फर्स्ट साइट, बट मुझे मतलब टैटू देखते मतलब पहली नज़र मुझे पसंद आ गया। तो भाई तभी मैं सोच लिया भाई मुझे टैटू बनाना है। तो फाइनली भाई सोच लिया बनाना है, तो ये बनाना किससे, तो मेरे कॉन्टैक्ट में एक मतलब मेरे तलोजा से मतलब तलोजा रंजन में एक मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में था, जान पहचान का ही था भाई। सोचा फिर सोचा भाई बनवाना है तो प्रोफेशनली से बनाते हैं। तो मैं मतलब अभी ने मतलब डेढ़ साल से मैं मतलब महेश चौहान सर से मैं सोचा टैटू बनवाने का। तो भाई टैटू का डिजाइन ही मेरे को पसंद आ गया, एंड किससे बनवाना वो भी मैंने डिसाइड कर लिया, बनाना है तो महेश चौहान सर से ही बनाना है। तो फाइनली मतलब मैं सोचा भाई बनवाते हैं, एंड मैं 13 तारीख को गया था अपॉइंटमेंट लेने, एंड उससे पहले मैं कॉल किया था बनाने के लिए, बट मतलब कॉल में होता है ना थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसे हो जाता है। तो फाइनली सोचा भाई जाके मिल लेते हैं सर को, अपना डिजाइन भी दिखा देंगे एंड बनाने के लिए मतलब मस्त बन भी जाएगा। तो 13 तारीख को मैं गया था अपॉइंटमेंट लेने, तो उसी ने मतलब अपॉइंटमेंट बुक वगैरह कर दिया था। एंड अभी सवाल आता है, आप अभी मेन सवाल आता आप सबका, जो मतलब टैटू बनाया तो बनाया कितने में गाइस। तो ये जो टैटू आपको दिख रहा है, टैटू का मीनिंग मेरे लिए मतलब मीनिंग मतलब दिल से मतलब बहुत अच्छा है। टैटू में देखो, एक रोज है, चेक दिस, एक रोज है, हार्ड है एंड आईज है। मतलब सबसे इसका मेन मतलब लोगों को पता है क्या, देख लो क्या है, नेवर गिव अप, मतलब नेवर गिव, कभी हार मत मानो। आप लोग को पता है मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मतलब बहुत जन होता है जो गिव अप कर देते हैं, बट मतलब शुरू से मैंने भाई मुझे हार कभी नहीं मानना, इसलिए मैं इधर ही लिखवा दिया नेवर गिव अप, मतलब कभी हार नहीं मानना है। कभी मतलब अगर मतलब समझ लो कुछ मतलब दुखी टाइप हो गया, तो भाई इसको देखे ना मतलब मोटिवेट मिलेगा मुझे भाई, कभी हार नहीं मानना है। तो फाइनल मतलब लिखवाने का नेवर गिव अप लिखवाने का मतलब यही है कि कभी हार नहीं मानना है। एंड ये टैटू मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अभी सवाल आता है आप लोग का, जो भाई टैटू बनाया तो बनाया कितना है। तो गाइस टैटू जितना मैं बनाया हूँ ना, बहुत जन का मतलब थोड़ा कॉस्टली भी बोल सकता हूँ, और मतलब कॉस्टली बोल ही सकता हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास का हूँ, आप लोगों को पता है, एंड कोई ज़्यादा पैसा वाला हूँ नहीं। एंड जितना भी मैं एक टैटू बनवाया हूँ ना, उतना मतलब समझ लो बहुत जन का एक दिन मतलब एक महीने का सैलरी है, मतलब ऑल मंथ बहुत जन का बोल सकता हूँ, आप लोगों को पता है मतलब बहुत जन का 10-12-13 हज़ार मतलब मंथली सैलरी रहता है। एंड गाइस अब मेन टॉपिक आता है, ये टैटू कितने का है। तो गाइस ये टैटू है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। A few moments later, 12 हज़ार का। अरे बाबा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। 12 हज़ार मतलब समझ जा आप लोग, मतलब फर्स्ट टाइम जब गया था तभी अपॉइंटमेंट बुक, मतलब मुझे भी नहीं पता 12 मतलब एक्चुअली मुझे लगा था ना जो 6-7 हज़ार का लगभग होगा, लेकिन जब मैं 13 तारीख को जो अपॉइंटमेंट बुक करने गया था ना, तभी जब मैम बोली ना 12 हज़ार का, भाई पहले तो मैं शॉक हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है भाई। 12,000 बहुत जल्द सैलरी है एक महीने का, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे फिर सोचो भाई बनवाओ कि ना बनवाओ, लेकिन मेरे माइंड में तो भाई बर्थडे में बनवाना है, महेश चौहान से भी बनवाना है। खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई बनवाना है तो फिर क्या कर सकते हैं? 12,000 तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हूँ एंड मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर बना भी नहीं जो 12,000 के लिए मतलब ऐसे 12,000 खत्म कर दूँ। लेकिन मैं मतलब एक शौक था भाई, मतलब आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मतलब भोजन का शौक होता है ना भाई, शौक। लेकिन मेरे को मतलब बहुत समझ लो कितना साल से मेरा मन, मतलब 1.5 साल से मन था भाई महेश चौहान सर से टैटू बनवाया एंड ये बर्थडे में स्पेशल शो ज़्यादा बना ली, फाइनली 12,000 का टैटू बनवा लिया है। बोला ना मतलब कॉस्टली, एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा भाई कॉस्टली है, क्योंकि भाई मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ एंड 12,000 बोले तो मतलब एक महीने का सैलरी होता है यार 12-15,000, मतलब मेरा भी 15,000 का समथिंग सैलरी एंड 12,000 बोले तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी मतलब डिसाइड कर ही लिया था मैं तभी जो भाई बनवाना है तो बनवाना है एंड 12,000 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए 12,000 ना भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जन को भाई बोला ना मंथली सैलरी होता है 12,000 एंड बट शौक था तो पूरा हो गया। आगे चल के देखते हैं कैसा क्या होगा एंड आप लोग का प्यारा सपोर्ट है यार, कहते 12,000 कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को आप लोगों को पता आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो एंड बर्थडे में महेश चौहान सर के जो बर्थडे स्टूडियो में बर्थडे बना, मतलब मैंने बेस्ट बर्थडे हो जाता है, क्योंकि महेश चौहान सर के स्टूडियो में बर्थडे बनाना मतलब काफ़ी मतलब हल्का नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश था ना उस दिन, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे था मेरा गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उनके स्टूडियो में बर्थडे बनाना। मतलब आप लोगों का सवाल तो जल्दी दे दिया एंड गाइस मैं अपने अभी सोच रहा एक Q&A करता हूँ चैनल पे, क्योंकि मैं Q&A मतलब अभी तक कभी नहीं किया Q&A, तो सोच रहा एक Q&A करता हूँ अपने चैनल पे, जो मतलब आप लोगों के सवाल का सिर्फ जवाब दूंगा उसमें, तो जल्दी Q&A करने का सोच रहा हूँ, कल या परसों एक Q&A करते एंड देखते हैं आप लोग का सवाल क्या रहेगा। सवाल को बरसात कर दूंगा, जो भी आप लोग का सवाल रहेगा जवाब सुबह ब्लॉग से रहेगा। बट कोई नहीं, जो आप मन में जो भी सवाल रहेगा आप लोग बिंदास पूछो, मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में एंड जो भी रहेगा आप लोग पूछो, बिंदास जवाब दूंगा। एंड आज तक समथिंग अभी 1700 सब्सक्राइबर होने वाला है, मतलब हो गया है 1700 एंड आप लोग का प्यार सपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं एंड आज तक अभी Q&A नहीं किया, तो सोचा फर्स्ट टाइम Q&A करते हैं, आप लोग का सवाल का दिया जाएगा जवाब। तो कुछ सवाल का तो अभी मैं मतलब टैटू का सवाल का जवाब दे दिया हूँ, बट आप लोग का कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ लो, Q&A में जवाब दूंगा मैं। एंड आज का ब्लॉग तो सिर्फ इसके लिए बनाया था, तो होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड क्या इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, क्योंकि कुछ भी Q&A कर रही है मतलब जो भी अपडेट रहता है मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के देता हूँ, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लोगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा एंड आप लोग देख के कुछ मतलब उधर आंसर कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर लेना एंड मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।